खरगोन शहर के समीप ग्राम गोपालपुरा क्षेत्र स्थित तालाब में नहाते समय एक 17 वर्षीय किशोरी की डूबने से मौत हो गई। साथ गए बच्चे ने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त खरगोन के ओरमपुरा निवासी मुजाहिद पिता मुर्तजा के रूप में की गई। अस्पताल पहुंचे मृतक के रिश्तेदार हाशिश मोहसिन ने बताया कि मुजाहिद 3 से 4 बच्चों के साथ रिश्तेदार के खेत में गया था। अचानक चारों बच्चे गोपालपुरा स्थित इस्कान मंदिर के समीप स्थित एक तालाब पर नहाने चले गए। वहां मुजाहिद गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख साथी बच्चों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाए। उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया, जिसके बाद मुजाहिद को निकालकर अस्पताल लाए। यहां उसे मृत घोषित कर पीएम किया और परिजनों के सुपुर्द किया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा भतीजा था, हम लोग खंडवा गए थे, शादी थी मेरे साली की, उसका वलीमा था। घर पे 2-3 भाई थे, एक सब अपने अपने काम में गए थे। अचानक खबर आई कि गोपालपुरा के पास से बच्चा डूब गया है। इस गांव वाले दौड़े, उसको निकाला, वो ख़त्म हो गया था। क्या घर का अकेले बच्चा था? अकेला बच्चा है, एक बाप है, इसका माँ है, 2 बेटी है। मेरा भतीजा था, बड़ा यही था। कितने बच्चे गए थे साथ में? 3-4 बच्चे थे, नादान बच्चे थे, छोटे छोटे। हम उसको किसी को कोई परेशान नहीं करना चाहते, उसकी ज़िंदगी यहीं तक थी, अल्लाह ने ले ली। न तुम्हारा कसूर न हमारा कसूर, इसमें किसी का कसूर। क्या नाम था बच्चे? मुजाहिद खान। बच्चा गरीब था, उसके वालिद भी गरीब है, मजदूरी करते। क्या शासन से मांग करते हो? जो भी मिल जाए उसके मुकद्दर का ले लेंगे, इसमें क्या रहे, सरकारी माल। मौत थी, जाना था, चला गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मोहसिन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।